हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे CMA कोर्स के इंटरमीडिएट ग्रुप वन में से कॉस्ट अकाउंटिंग मॉड्यूल में से मेथड ऑफ कॉस्टिंग चैप्टर के अंदर से जॉब कॉस्ट शीट के सम आज हम सीखेंगे कि भाई जॉब कॉस्ट शीट कैसे प्रिपेयर करें। तो उसके लिए आज हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड की। तो चलिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं क्या कहता है। यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस फॉर जॉब नंबर 69669 के लिए। चलिए उसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन दी है वो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमको मटेरियल की कॉस्ट दी हुई है, डायरेक्ट वेजेस की भी कॉस्ट दी हुई है, डिपार्टमेंट ए बी एंड सी के अंदर कितने आवर्स काम किया है एंड पर आवर रेट कितना है वो भी दिया हुआ है। एंड प्राइम इससे हमको प्राइम कॉस्ट मिलेगी एंड प्राइम कॉस्ट पे 33% वर्क कॉस्ट कैलकुलेट फैक्टरी कॉस्ट कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे हमको लास्ट में फैक्ट्री कॉस्ट मिल गई है 23.44 रुपीज़। एंड इसके आगे हमको कुछ प्रीवियस ईयर के PNL अकाउंट के भी इंफॉर्मेशन दी हुई कि भी कितना मटेरियल यूज़ हुआ है, डायरेक्ट वेजेस कितना पेमेंट किया है फॉर तीनों डिपार्टमेंट के लिए एंड फैक्ट्री ओवरहेड रेट भी कितना इनकर्ड हुआ है ए बी एंड सी डिपार्टमेंट के लिए। एंड लास्ट में हमको दिया है सेलिंग कॉस्ट। चलिए हमको क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है वो देख लेते हैं कि भाई हमको जॉब कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है एंड हमारे पास जो भी कॉस्ट आती है टोटल कॉस्ट उस पर 10% प्रॉफिट ऐड करके फाइनल सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमको जॉब कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने के लिए फैक्ट्री ओवरहेड रेट्स की फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए उसकी भी रिक्वायरमेंट रहेगी एंड परसेंटेज ऑफ सेलिंग कॉस्ट भी हमको डिटरमाइन करना है कि भाई कितना परसेंटेज है ऑन वर्क कॉस्ट पे। चलिए सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे फैक्ट्री ओवरहेड रेट्स। यहाँ पे हमने सबसे पहले तीनों डिपार्टमेंट की डायरेक्ट वेजेस की इन्फॉर्मेशन लिख दी है कि भाई ए डिपार्टमेंट के अंदर 5000 है, बी के 6000 एंड सी के 4000 है। एंड इसके आगे हमने फैक्ट्री ओवरहेड रेट्स भी तीनों डिपार्टमेंट का लिख दिया है। चलिए सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट वेजेस के 5000 रुपीज़ है, उसको हम डिवाइड करेंगे रेट पर आवर से। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमको 0.25 रुपीज़ दिया है रेट पर आवर। तो इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमको डायरेक्ट लेबर आवर ए डिपार्टमेंट के लिए मिल जाएगा 20,000 रुपीज़, बी के अंदर मिल जाएगा 24,000 रुपीज़ एंड सी के अंदर मिल जाएगा 16,000 रुपीज़। चलिए अब हम फैक्ट्री ओवरहेड रेट्स पर आवर फाइंड आउट कर लेते थे। इसके लिए हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड रेट ओवरहेड है, उसको हम डिवाइड करेंगे डायरेक्ट लेबर आवर्स से। तो यहाँ पे ए डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड्स है 2500 एंड डायरेक्ट लेबर आवर है 20,000। तो यहाँ पे हम 2500 को डिवाइड करेंगे 20,000 से तो हमको फैक्ट्री ओवरहेड रेट्स पर आवर मिल जाएगा, वो आएगा 0.125। इस प्रकार से बी का आएगा 0.167 एंड सी का आएगा 0.063। चलिए हमने बात की थी कि हम फाइंड आउट करेंगे कि भी परसेंटेज ऑफ सेलिंग कॉस्ट ऑन वर्क कॉस्ट, तो ये कैसे करें वो भी देख लेते हैं कि भाई हमको क्वेश्चन के अंदर प्रीवियस ईयर के फिगर्स के अंदर दिया हुआ था कि भाई मटेरियल यूज़ हुआ था 77,500 रुपीज़, तीनों डिपार्टमेंट का मिला के डायरेक्ट वेजेस था 15,000 रुपीज़, फैक्ट्री ओवरहेड तीनों डिपार्टमेंट का था 7,500 रुपीज़। तो ये तीनों का ऐड करेंगे तो हमको वर्क कॉस्ट मिल जाएगी 1,00,000 रुपीज़ एंड हमको सेलिंग कॉस्ट दिया हुआ है 30,000 रुपीज़। तो इस प्रकार से हम 30,000 को डिवाइड करेंगे 1,00,000 से एंड मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमको परसेंटेज ऑफ सेलिंग कॉस्ट ऑन वर्क कॉस्ट मिल जाएगा, वो आएगा 30%। चलिए अब हम जॉब कॉस्ट से प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मटेरियल की इन्फॉर्मेशन पुट कर देंगे जो हमारे पास फर्स्ट टेबल के अंदर दी हुई है 12.08 एंड इस प्रकार डायरेक्ट वेजेस की इन्फॉर्मेशन भी हम एज इट ही पुट कर देंगे।
तो यहाँ इस प्रकार से हमने प्राइम कॉस्ट फाइंड आउट कर ली है, डायरेक्ट वेजेस एंड मटेरियल का दोनों का ऐड करके वो आई है 17.58 रुपीज़। अब हम फैक्ट्री ओवरहेड भी तीनों डिपार्टमेंट का पुट कर देंगे, तो यहाँ पे ए डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास 10 आवर्स था एंड हमने फैक्ट्री ओवरहेड रेट फाइंड आउट किया था ए डिपार्टमेंट के लिए, वो आया था 0.125 रुपीज़। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको फैक्ट्री ओवरहेड फॉर फर्स्ट डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट का मिल जाएगा, वो आएगा 1.25 रुपीज़। इस प्रकार से बी एंड सी का आएगा 0.67 एंड 0.50। तो इस प्रकार से तीनों डिपार्टमेंट का टोटल करेंगे तो हमको फैक्ट्री ओवरहेड तीनों डिपार्टमेंट का मिल जाएगा, वो आएगा 2.42 रुपीज़। अब हमारे पास प्राइम कॉस्ट थे, उसके अंदर हमने ऐड किया फैक्ट्री ओवरहेड के कॉस्ट, तो हमको वर्क कॉस्ट मिली, वो आई है 20 रुपीज़। अब इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे सेलिंग कॉस्ट, जो हमने फाइंड आउट किया था कि भी ये वर्क कॉस्ट की 30% है, तो हमारे पास वर्क कॉस्ट है 20 रुपीज़, उसका हम 30% करेंगे तो वो सेलिंग कॉस्ट मिल जाएगी 6 रुपीज़। तो हमारे पास वर्क कॉस्ट थी, उसके अंदर हमने सेलिंग कॉस्ट ऐड किया तो हमको कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल गया, एंड इस पे हमको 10% ऐड करना है फॉर प्रॉफिट के लिए, तो इसका 10% करेंगे तो हमको प्रॉफिट मिल जाएगा, एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमको हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा, वो आएगा सेलिंग प्राइस 28.60 रुपीज़। तो आप इस प्रकार से इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट से सॉल्व कर सकते। चलिए अब हम बात करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड की। तो यहाँ पे हमको पूरा इलस्ट्रेशन हम सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट पॉइंट है वो ही हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि भाई ऑफिस ओवरहेड यूज टू बी 40% ऑफ वर्क कॉस्ट, तो इसका मतलब है कि अब तक ये लोग 40% ऑफ वर्क कॉस्ट ऑफिस ओवरहेड के लिए यूज़ करते थे, पर यहाँ पे कुछ चेंज किया हुआ है एंड देर हैज़ बीन 50% राइज इन ऑफिस ओवरहेड एक्सपेंडिचर। तो इस पे इसके अंदर हमको 50% ऐड करने के लिए बोला है, तो हमारे पास 40% तो था ही, उसके अंदर हम 50% ऐड करेंगे तो हमको हमारे पास 40 है उसका मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो हमको मिलेगा हमारे पास 40 था उसके अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे 50% से तो हमको मिलेगा 20%। तो हमारे पास 40 + 20% करेंगे तो हमको टोटल वर्क मिल जाएगा परसेंटेज, वो आएगा 60%। तो यहाँ पे हमारे पास वर्क कॉस्ट है, उसके अंदर हम ऐड करेंगे 60% ऑफ वर्क कॉस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो हमको एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मिल जाएगा। चलिए इसके आगे हमको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई, उसके अंदर हमको लिखा हुआ है कि भाई इट इज़ नॉन दैट 10% ऑफ प्रोडक्शन विल हैव टू बी स्क्रैप इज नॉट बीइंग अप टू स्पेसिफिकेशन। तो इसका मतलब है कि हमारे पास टोटल प्रोडक्शन का 10% हिस्सा है वो स्क्रैप हो चुका है, जो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास वर्क कॉस्ट थी, उसके अंदर हमने एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड कर दिया है, तो हमको यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट टोटल कॉस्ट आई है वो है 15,627 रुपीज़, तो उसका हम 10% करेंगे। चलिए उसके आगे हमको क्या लिखा हुआ है कि भाई दिस सेल प्रोसीड्स ऑफ स्क्रैप आउटपुट विल बी ओनली 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे हमने 10% फाइंड आउट किया था तो हमको मिला 1,562 रुपीज़। तो यहाँ पे हमको केवल लेस करना है उसके 5% ही फॉर सेल प्रोसीड ऑफ स्क्रैप, तो उसके 5% आएंगे 78 रुपीज़। जो हम हमारे पास कॉस्ट आई थी 15,627, उसमें से हम लेस कर देंगे 78 रुपीज़, तो हमको टोटल कॉस्ट फॉर द जॉब वर्क ऑर्डर मिल जाएगी, वो आएगी 15,549 रुपीज़। तो आप इस प्रकार से इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड के अंदर से डिफ़िकल्ट पार्ट सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रकार से आप पूरा सम भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे हमने इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया है तो उसकी जैसा ही इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, जैसे जो मेथड का यूज़ हमने फर्स्ट इलस्ट्रेशन के अंदर किया था तो वो ही मेथड का आप यूज़ करते इलस्ट्रेशन नंबर 5
सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको इस चैप्टर के अंदर कोई डाउट लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछना ना भूलें। मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।